अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? उम्मीद होगी आप सब ठीक ही होंगे। तो आज बना रहे हैं हम आलू कीमा। चलिए आपको बताते हैं आलू कीमा कैसे बनाते हैं हम। तो सबसे पहले अभी इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। तो एक प्याज ले लिया है, उसको बारीक बारीक करके काट लिया है। तो जीरा ऐड करेंगे 1/2 चम्मच और लहसुन अदरक का पेस्ट। ये है कीमा, ये ऐड कर देंगे हम। तो अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। इसको थोड़ी देर भूनेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ग्रीन मिर्च एक ऐड करेंगे इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मसाले हैं, कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हमने इसको भून लिया है। मसाले ऐड करेंगे, कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, चिकन मसाला ऐड करेंगे। टमाटर ऐड कर देंगे। दो टमाटर लिए थे हमने। तो इसको हम भूनेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े साइज का आलू ले लिया है, काट लिया इस तरीके से ऐड करेंगे। तो इसको थोड़ी देर और भूनेंगे आलू के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 मिनट भून लिया इसको। अब पानी ऐड कर देंगे। अब इसे कवर कर देंगे, पकाएंगे कवर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारे आलू और कीमा गल रहे हैं। पानी इसलिए डाला है हमने ताकि कीमा और आलू गल जाए अच्छे से।
से इसे कवर करेंगे। इसे क्या हुआ अम्मी, भूख लग गई? खाना बन रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं सालन में अच्छे तरीके से रेडी हो रहा है। और साथ ही हम रोटी बना रहे हैं। सानिया ने अभी बोला था ना मम्मा भूख लगी हुई है, हमने सोचा शायद बना दें जल्दी जल्दी से। और इस तरह से एक साइड पे रोटी बना रहे हैं, सर पे सालन तैयार हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं सालन रेडी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी शॉर्ट करके दिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो शॉर्ट कर लिया आप देख सकते हैं कितना अच्छा सालन बना है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।